हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में, जिनकी रैंक होती है जनरल की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल होते क्या है। तो जनरल एक 4-स्टार इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर रैंक है। जनरल रैंक 3-स्टार रैंक के ऊपर आता है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक होती है। और साथ ही जनरल 5-स्टार रैंक यानी फील्ड मार्शल के नीचे होता है, जो कि एक वॉर टाइम या सेरेमोनियल रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल जैसे निचले जनरल ऑफिसर रैंक से जनरल को अलग करने के लिए एक जनरल को फुल जनरल या 4-स्टार जनरल भी कहा जाता है। रैंक इंडियन आर्मी के प्रोफेशनल हेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास भी हो सकती है। 1 जनवरी 2020 को जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इस्टेब्लिश किया गया, तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एकमात्र अधिकारी थे जिनके पास फुल जनरल की रैंक थी। इस पोस्ट को क्रिएट करने के बाद और जनरल बीपी रावत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में अपॉइंटमेंट होने के बाद, इंडिया में पहली बार 2 फुल जनरल सर्विस दे रहे हैं। इंडिया आर्म्ड फोर्स में करेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पे जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट पे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर्विस दे रहे हैं। इस रैंक के इक्विवेलेंट रैंक इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल की होती है और इंडियन नेवी में एडमिरल की होती है। 1947 के पार्टीशन के बाद कमांडर चीफ के रैंक को इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ, इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में डिवाइड किया गया। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन आर्मी हेड को कमांडर इन चीफ का टाइटल दिया गया। 21 जुलाई 1948 में इस टाइटल को चेंज करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर दिया गया। और आप लोगों को पता ही होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंसिग्निया क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर रॉबर्ट M.M. लॉकहार्ट की। तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने पोस्ट पे चार्ज लिया और 31 अगस्त 1947 को अपने पोस्ट को लेफ्ट किया। और इन्होंने सिर्फ 108 डेज की इंडियन आर्मी में सर्विस दी थी और यह इंडिया के फर्स्ट जनरल या कमांडर इन चीफ थे और यह 51st सिख यूनिट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बी। इन्होंने कमांडर इन चीफ के पोस्ट पे 1 जनवरी 1948 को चार्ज लिया था और 20 जून 1948 को इन्होंने ऑफिस को लेफ्ट किया। इन्होंने 171 डेज की सर्विस दी थी या स्कॉटिश राइफल यूनिट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बी, जो कि 21 जून 1948 को दोबारा सर्विस में आए और 208 डेज की सर्विस देने के बाद 15 जनवरी 1949 में ऑफिस को लेफ्ट किया। इसके बाद आते हैं के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे, जो कि 16 जनवरी 1949 में ऑफिस ज्वाइन किया और 364 डेज की सर्विस देने के बाद 14 जनवरी 1953 को ऑफिस लेफ्ट किया। और के.एम. करियप्पा राजपूत रेजिमेंट को बिलोंग करते थे और के.एम. करियप्पा इंडिया के सबसे पहले फील्ड मार्शल भी थे। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि जो सर्विस का टाइम है वो एज अ कमांडर इन चीफ या एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंक ही है, ना कि उनके लाइफ में दिए गए सर्विस की। तो इसके बाद आते हैं महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा। यह सेकेंड इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इन्होंने 14 जून 1953 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 ईयर 120 डेज की सर्विस के बाद 14 मई 1955 को ऑफिस लेफ्ट किया। यह सेकेंड लैंसर्स यूनिट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सत्यवंत मलाना सी नगेश। इन्होंने 15 मई 1955 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 1 ईयर 357 डेज की सर्विस के बाद 7 मई 1957 को ऑफिस लेफ्ट किया। इसके बाद आते हैं के.एस. थीमय। इन्होंने 8 मई 1957 को ऑफिस ज्वाइन किया और 4 इयर्स की सर्विस देने के बाद 7 मई 1961 को ऑफिस लेफ्ट किया। या 19 हैदराबाद रेजिमेंट को बिलोंग करते थे।
इसके बाद आते हैं प्रणनाथ थप्पर। इन्होंने 8 मई 1961 को ऑफिस ज्वाइन किया और 1 ईयर 195 डेज की सर्विस देने के बाद 19 नवंबर 1962 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं जे एन चौधरी। इन्होंने 20 नवंबर 1962 को ऑफिस ज्वाइन किया और 3 ईयर 199 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 7 जून 1966 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये 7th लाइट कैवलरी रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं पी प्रभाकर कुमार मंगलम। यह 8 जून 1966 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 ईयर 364 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 7 जून 1969 को ऑफिस लेफ्ट किया। यह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सैम मानिकसॉ। इन्होंने 8 जून 1969 को ऑफिस ज्वाइन किया और 3 ईयर्स 221 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 15 जनवरी 1973 को ऑफिस लेफ्ट किया। यह 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। और एक और बात बता दूं कि सैम मानिकसॉ इंडिया के दूसरे फील्ड मार्शल थे। इसके बाद आते हैं गोपाल गुरुनाथ वेवूर। ये 16 जून 1973 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 ईयर्स 135 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 मई 1975 को ऑफिस लेफ्ट किया। और गोपाल गुरुनाथ वेवूर डोगरा रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं टीएन रैना। इन्होंने 1 जून 1975 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 ईयर्स 364 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 मई 1978 को ऑफिस लेफ्ट किया। यह कुमाऊं रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये 1 जून 1978 को ऑफिस ज्वाइन किया और 31 मई 1981 को ऑफिस लेफ्ट किया। इन्होंने इंडियन आर्मी में 2 ईयर 364 डेज की सर्विस दी थी और यह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं के वी कृष्णा राव। इन्होंने 1 जून 1981 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 1 ईयर 364 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 जुलाई 1983 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये महारेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं एएस वैद्य। इन्होंने 1 अगस्त 1983 को सर्विस ज्वाइन किया था और 2 ईयर्स 244 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 जनवरी 1986 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये 9th डेक्कन हॉर्स रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं कृष्ण स्वामी सुंदर जी। इन्होंने 1 फरवरी 1986 को ऑफिस ज्वाइन किया था और यह 2 ईयर्स 121 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 मई 1988 को ऑफिस लेफ्ट किया और यह मह रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ शर्मा। इन्होंने 1 जून 1988 को सर्विस ज्वाइन किया था और 2 ईयर्स 29 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 30 जून 1990 को ऑफिस लेफ्ट किया और यह 16th लाइट कैवलरी रेजिमेंट के बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सुनीत फ्रांसिस आर। इन्होंने 1 जुलाई 1990 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 2 ईयर 364 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 30 जून 1993 को ऑफिस लेफ्ट किया और यह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं बिपिन चंद्र जोशी। इन्होंने 1 जुलाई 1993 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 1 ईयर 141 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 19 नवंबर 1994 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये 64th कैवलरी रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं शंकर रॉय चौधरी। इन्होंने 20 नवंबर 1994 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 2 ईयर्स 314 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 30 सितंबर 1997 को ऑफिस लेफ्ट किया। ये 20th लैंसर्स रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं वेद प्रकाश मलिक। इन्होंने 1 अक्टूबर 1997 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 2 ईयर 365 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 30 सितंबर 2000 को ऑफिस लेफ्ट किया और यह सिख लाइट इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सुंदर राजन पद्मभूषण। इन्होंने 1 अक्टूबर 2000 को सर्विस ज्वाइन किया था और 2 ईयर्स 91 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2002 को सर्विस
लेफ्ट किया। ये रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं निर्मल चंद्र वी। इन्होंने 1 जनवरी 2003 को सर्विस ज्वाइन किया था और 2 years 30 days की सर्विस पूरी करने के बाद 31 जनवरी 2005 को ऑफिस लेफ्ट किया और ये भी डोगरा रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं जोगेंद्र जयसवंत सिंह। इन्होंने 1 फरवरी 2005 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 2 years 241 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 30 सितंबर 2007 को ऑफिस लेफ्ट किया और ये मराठा लाइट इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं दीपक कपूर। इन्होंने 1 अक्टूबर 2007 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 2 years 181 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 मार्च 2010 को ऑफिस लेफ्ट किया और ये रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं विजय कुमार सिंह। इन्होंने 1 अप्रैल 2010 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 years 60 days की सर्विस पूरी करने के बाद 31 मई 2012 को ऑफिस लेफ्ट किया और ये राजपूत रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं विक्रम सिंह। इन्होंने 1 जून 2012 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 years 60 days की सर्विस पूरी करने के बाद 31 जुलाई 2014 को ऑफिस लेफ्ट किया और ये सिख लाइट इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं दलबीर सिंह सुहाग। इन्होंने 1 अगस्त 2014 को ऑफिस ज्वाइन किया और 2 years 152 डेज की सर्विस पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2016 को ऑफिस लेफ्ट किया और दलबीर सिंह सुहाग 5 गोरखा राइफल को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं जनरल बिपिन रावत। इन्होंने 31 दिसंबर 2016 को ऑफिस ज्वाइन किया था और 3 years की सर्विस पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2019 को ऑफिस लेफ्ट किया और जनरल बिपिन रावत भी 11th गोरखा राइफल को बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2016 को ऑफिस ज्वाइन किया था और ये 76 लाइट इन्फेंट्री को बिलोंग करते हैं और अभी प्रेजेंट में भी मनोज मुकुंद नरवणे ही इंडियन आर्मी के जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और अभी तक इन्होंने 241 डेज की सर्विस दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।